China is struggling with its own challenges. Chinese economy has slipped into a deep slump. China is facing the worst crisis ever. This crisis hai confidence ki. Confidence किसमें? dream tha, jo Xi Jinping ne Chinese logo. Ko. Fresh economic data came out today. From July to September, China grew by just 0.9 percent. i IPR business I gain 90. I live with it. या दस का चुरा रहे हो मैं बीस का बिजनेस करता हूँ गेनिंग टेन आई लिव पर अब गेन ही नहीं है चाइना में बचने का मतलब खाया पिया चारा ना गिलास थोड़ा बारह अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान कॉन्टिन्यूसली मलबार एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और क्वेश्चन ये है कि जो क्वाड है विद द पैसेज ऑफ टाइम

लोग भी भाग रहे हैं और पैसा भी भाग है उनके पीछे -पीछे। इसकी से सस्ते आइटम भी अब लोग चाइना के अंदर अफोर्ड नहीं कर पा रहे इसी चीज को कहा जाता है डिफ्लेशन चाइना के अंदर यही डिफ्लेशनरी ट्रेंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप ये लिस्ट उठा के देखेंगे तो हर बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां हर क्वार्टर में एक दो एक दो फॉक्सकॉन वॉक्सकॉन होता मैं गिनता ही नहीं हर अमेरिकन जैपनीज ब्रिटिश हो ये कंपनियां धीरे 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 चाइना से पलायन कर रही और हर साल पलायन नमस्कार दोस्तों जय हिंद चीन की अर्थव्यवस्था से जिनपिंग सरकार की लाख कोशिश के बाद भी उठ नहीं रही है ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि चीन की इंटरनल इकोनॉमी कमजोर हो रही है वही चाइना के एक्सटर्नल इकोनॉमी यानी एक्सपोर्ट इकोनॉमी भी नष्ट हो रही है चाइना की सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ रेट अचानक ऐसी गिरी थी और थर्ड क्वार्टर में ग्रोथ रेट तो सबसे ज्यादा कम आई है थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ रेट सिर्फ जीरो की आई है जो की अठारह मंथ में सबसे लो है वो भी अठारह मंथ पहले जो लो था वो भी कोविड के ऐसी कम था अब कोविड खत्म होने के बावजूद भी चाइना की इकोनॉमी रिकवर होने का नाम नहीं ले रही है जुलाई से सितंबर की अवधि में चीन की इकोनॉमी सालाना आधार पर 4.6 की गति से बढ़ रही थी यह ग्रोथ रेट पिछले 18 महीने में सबसे कम है बीजिंग के नेशनल स्टैटिक्स ब्यूरो एन के अनुसार ये पिछले तीन महीने की फोर की दर ऐसी थोड़ी कम है और दो की शुरुआत के बाद सबसे धीमी वृद्धि है इसके साथ ही खबर निकल कर आई है की चाइना सरकार आरोप कुल ट्वेंटी ट्रिलियन डॉलर कर्ज है चाइना का जो ड्रीम था एक चाइनीज ड्रीम वो कलैप्स हो गया है और लोग चाइना को छोड़कर भाग रहे हैं यानी कि चाइना ड्रीम जो था वो फेल हो गया है और लोगों ने शी जिनपिंग के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया और ये एक वार्निंग भी है भारत के फ्यूचर के लिए ये पूरा कैस मामला है लोग क्यों भाग रहे हैं चाइना को छोड़कर ये बताऊंगा आपको मैं आप देखिए शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने ये 2012 की बात है और ये आप देखिए शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने ये 2012 की बात है और ये कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे स्ट्रांग लीडर बनकर सामने आए और शी जिनपिंग ने बोल दिया जैसे अमेरिकन ड्रीम होता है वैसे ही मैं आपको एक चाइनीज ड्रीम देता हूँ और ये ड्रीम क्या था कि मैं पूरे कंट्री को रेजुविनेट कर दूंगा मैं और जो चाइना है वो राइज करेगा पूरे दुनिया में एक ग्लोबल पावर जो ग्रेटेस्ट पावर होगी पूरी दुनिया में वैसा बनेगा चाइना इज फेसिंग द वर्स्ट क्राइसिस एवर ये क्राइसिस है कॉन्फिडेंस की कॉन्फिडेंस किस में जो ये ड्रीम था जो शी जिनपिंग ने बेचा चाइनीज लोगों को वो कॉन्फिडेंस ही टूट गया और हो क्या रहा है लोग अपने पैसे इकट्ठे कर कर चाइना को छोड़कर वो भाग रहे हैं लोग भी भाग रहे हैं और पैसा भी भाग रहा है उनके पीछे पीछे और ये जो पूरी फाउंडेशन थी शी जिनपिंग की जो रजीम की वही टूट हाथ में आ गई है और जो चाइना के ट्रबल्स हैं ऐसा लगता है कि खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहे हल्का सा इन्होंने पैकेज दिया था अपने इकोनॉमी को राइज करने के लिए अमेरिका ने युद्ध शुरू करवा दिया इसराइल का और ईरान का और यहां पर एक ऐसा हो गया कि तेल के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं और चाइना तेल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पर्सनल फ्रीडम ख़त्म हो गई जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस था जो कंपनी बड़े साइज की होती थी जो गवर्नमेंट के लिए खतरा बन सकती थी उसे इन्होंने डिसमेंटल करके ख़त्म कर दिया अली बाबा का हाल आपने देखा है ऐसे ही कितनी और कंपनीज़ हैं जिन्हें डिसमेंटल कर दिया गया क्योंकि दे हैड बिकम टू पावरफुल भारत में एटलीस्ट ये चीज़ नहीं है जो लोग वहाँ पर अभी भी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं उन्हें और प्रोत्साहन दिया जा रहा है भारत के अंदर अभी चाइना में क्या हो गया है चाइना में एक स्टेटमेंट दी जाती है रन शोए रन शोए का मतलब होता है कि रन अवे एज़ क्विकली एज पॉसिबल ये एक टर्म है चाइना में जिसके कारण मिलियंस ऑफ जो मिलेर्स थे मिलियंस ऑफ मिलेनियर्स एंड बिलीनियर्स उन्होंने कंट्री को छोड़ना पसंद किया एजुकेटेड लोग यहाँ से निकल रहे हैं दे आर रनिंग जैसे पाकिस्तान से जिंदा भाग वैसे ही चाइना से जिंदा भाग वाला काम हो गया है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए वो भारत की जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें जाना शुरू कर दिया नंबर्स हैं. एक लाख बीस हजार हाई इंफ्लुएंशियल लोगों ने दूसरे कंट्रीज में चले गए हैं एक साल में ये मैं 2021 का डेटा दे रहा हूं और हो क्या रहा है है पॉलिटिकल मांगी जा रही कई बार तो ये मांगते हैं कि हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से हमें वहां पर नागरिकता दी जाए दूसरे कंट्रीज की अभी हो क्या रहा है चाइना रोक रहा है इनको लेकिन चाइनीज रोकने का नाम ही ले नहीं रहे 2024 के अंदर सिर्फ तीन महीने में 740 बिलियन डॉलर 740 बिलियन वो चला गया चाइना से एक क्वार्टर में यानी कि तीन महीने में इसका मतलब है कि जो वेल्दी चाइनीज़ हैं वो सारे का सारा पैसा निकाल निकाल कर वो इंटरनेशनल मार्केट में लगा रहे हैं वहाँ पर जो महंगी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चाइनीज़ खरीद रहे हैं आप सिंगापुर चले जाइए लंदन, वैंकूवर आप किसी से बात कर लीजिए आपको चाइनीज़ दिखते हैं महंगी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हुए अब मामला यह है कि चाइनीज अपनी कंट्री को छोड़कर भाग क्यों रहे हैं अब हुआ क्या आपको मालूम है कि जो ज़ीरो कोविड लॉकडाउन लगाया शी जिनपिंग ने उससे भी पूरी इकोनॉमी थी वो हिल गई जो इनकम्स थी जो अमीर थे अमीर बनते गए जो गरीब था और गरीब हो गया और ये सारा कॉन्फिडेंस जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर था वो ख़त्म हो गया क्यों क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास अब वो अबिलिटी नहीं रही कि वो लोगों को जो ये ड्रीम दिया था चाइनीज ड्रीम का उसको फुलफिल कर सकते हैं साथ में जो शी जिनपिंग है उन्होंने एक रूल था उसे खत्म कर दिया कि कोई भी जो चाइना में दो टर्म से ज़्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है लेकिन 2018 में उन्होंने इस रूल को ख़त्म कर दिया और एक डर गलत डायरेक्शन उन्होंने पॉलिटिकल सिनेरियो को दे दी लोगों को बता दिया कि भाई जो हार्ड लाइन अथॉरिटेरियन सिस्टम है वो अब आएगा इकोनॉमी डाउन जा रही है एंड जो चाइनीज ड्रीम है इट इज़ नाउ बिकम अ नाइटमेयर तो लोग सोचते हैं कि भाई जब अथॉरिटेरियन रजीम है पैसे बन नहीं रहे जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं बिजनेसिस डाउन चल रहे हैं तो हम ये दादागिरी सहन क्यों करें बोल सकते नहीं है क्योंकि किडनी निकल जाती हैं तो इससे अच्छा है कंट्री छोड़कर भाग जाइए कंट्री भी छोड़कर भाग जाइए पैसे लेकर भी भाग जाइए कुछ भी पीछे छोड़ना नहीं है ये चाइनीज का हाल हो गया है अगर आप ये लिस्ट उठा के देखेंगे तो हर बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां हर क्वार्टर में एक दो एक दो फॉक्सकॉन कौन होता है मैं गिनता ही नहीं हर अमेरिकन जैपनीज ब्रिटिश हो ये कंपनियां धीरे 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 चाइना से पलायन करे और हर साल को पलायन अब आप बोलोगे ये तो तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है देखो चाइना का दलाल यही सोच रहा होगा कैसे काउंटर करूं इसको कि किसीबी वाले जूते मारेंगे मुझे तुझे अल्लू के पट्टे पैसे किस बात के दिए काउंटर कर इसको अब देखो वो क्या वो अब मैं उसको पहले डाटा बता दू सुन बेटा सुन अभी क्या है पिछले दस सालों में लगभग चाइना में एफडीआई गिर रहा है ये सब जानते हैं अभी अभी इस साल की बात करो सुन बेटा इंटरप्रेटर साहब आप देना। यहां जो चाइना में जो एफ गिरा है ये गिरा है करीब करीब सैतीस परसेंट फर्स्ट नाइन मंथस अभी हम अक्टूबर में बैठे तीन क्वार्टर में हो गए राइट अक्टूबर सैंतीस परसेंट एफडीआई गिरा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर अभी तक अगर मैं अगस्त अगस्त की बात करूं अगस्त में फोर्टी सेवन परसेंट एफडीआई गिरा है इफ यू कंपेयर इट टू द अगस्त ऑफ लास्ट ईयर तो ओवरऑल थर्टी सेवन परसेंट एज कम्पेयर टू लास्ट इफ आई डू मंथ कंपेरिजन अगस्त से अगस्त तक अगस्तिस परसेंट एफडीआई गिरा बट अगस्त का एक महीना का डाटा है सो यू कैन सी बाइस वाई वन ईयर का कंपनी